I have written a lot of letters to the PT NHAI telling him to do an audit of the NHAI. मैं बताऊँ ना, वो अब चढ़ा नहीं ना रे, जब उनको पता है कि कम आ रही है, पीछे से भी कम आ रही है, पर पहले अगर 100 में और जो ओवरटेक अंदर करेगा, आपके पास सारा सिस्टम फिक्स है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना सारा, सीसीटीवी कैमरा फिक्स्ड है, आपको टिकटिंग का प्रोसेस शुरू करना है, वो बंदा आइडेंटिफाई करना है, कंसर्न एआरटीओ के साथ शेयर करना है, वो नंबर प्लेट देख के आगे, सो दैट कल ना किसी ना किसी को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सर। 50-60 गाड़ियों को वो दोबारा लग गए हैं, वो जब तक हम अकेले से वो अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भी आता है, वो भी चलान लगाएगा, टू प्रोवाइड कंफर्ट जोन टू द पीपल, दिस शुड हैपन राइट फ्रॉम नाशिक अप टू बनिहाल। हमारी जो रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग है, ये हम रेगुलरली होल्ड करते हैं, और बेसिकली दिस मीटिंग इज एज अ कोरोलरी टू द मीटिंग विच इज चेयर्ड रिगार्डिंग जो जेके रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कमेटी की मीटिंग रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज हमने ये मीटिंग अटेंड की, इसमें SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे, SSP रामबन, उसके अलावा जितने भी बाकी हमारे इस कमेटी के मेंबर्स थे, जिस तरह हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स PWD के, PMGSY के और बाकी हमारे अफसरान थे, इस मीटिंग में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, खास तौर से यू नो मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन द नेशनल हाईवे, जो हमारा क्रिटिकल स्ट्रेच है रामबन से लेकर बनिहाल तक। डायरेक्शंस हैव बीन गिवन एज ए कॉन्सिक्वेंस टू द डायरेक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर during the meetings chaired on the road safety council ki crash barriers ko humko install karna hai, parapeting jo hai wo karni hai, road ki condition ko improve karna hai, uske alawa LED ke tickers wagera lagane hain, ambulances ke hawale se humne health department ko jo hai wo directions di ki vantage points par ambulances aur NHAI ko bhi apni ambulances ko proactive mode mein rakhne ki directions di gayi। उसके अलावा हमारे जो लिंक रोड्स हैं उनका हमने एक ऑडिट कराया था, और लिंक रोड्स को भी सेफ बनाने के लिए जो है हमारे कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी डायरेक्शंस दी गई। उसके अलावा जो डायरेक्शंस रिसीव हुई थी, टेक्निकल कमिटी बनानी है हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हर एक्सीडेंट को एग्जामिन करेगी और अपनी जो है वो रिकमेंडेशंस देंगी। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर की जो पोस्टें हमारी खाली पड़ी हुई हैं, इसको भरने के लिए वी विल टेक अप द मैटर विद द रेलेवेंट हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़। रोड पे साइनेजेस, क्रिटिकल स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी सेफ गार्डिंग, ये सारे डिसीजंस हमने आज अपनी मीटिंग में लिए, और आने वाले टाइम पर भी हम ये मीटिंग जो है वो टाइमली होल्ड करेंगे। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारी ये हुई है कि हमारा जो मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट है, इट हैज़ बीन फर्दर ऑगमेंटेड बाई इंक्लूजन ऑफ 3 मोर इंस्पेक्टर्स। तो अब हम जो है अपने नेशनल हाईवे पे अपनी मोबिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवरलोडेड ओवरवेट व्हीकल्स के खिलाफ हम जो है कार्रवाई कर सकते हैं अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट, और उसके अलावा जो हमारे को कंप्लेंट्स मिलती हैं रिगार्डिंग ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग ऑन डिफरेंट लिंक रूट्स, उस पर भी हमारा क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा।